हेलो दोस्तों, गीत कुकिंग में स्वागत है आपका। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, पिज़्ज़ा समोसा या चीज़ समोसा। बहुत ही झटपट आप अपने घर में बना सकते हैं, बच्चों का ये बहुत ही फेवरेट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया है मैदा आधा केजी के करीबन एक बर्तन में, साथ में हमने ले लिया है एक कप के करीबन सूजी, साथ में हम ले लेंगे नमक स्वाद के अनुसार। ये जो रेसिपी है बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही आसानी से आप अपने घर में बना सकते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है अजवाइन एक चम्मच के करीबन, हाथ से रगड़ के हम इस्तेमाल करेंगे। साथ में हम कसूरी मेथी लेंगे, इसे भी हाथ से अच्छे से रगड़ लेंगे। और साथ में हमें लेना है यहाँ पे कलौंजी आधा चम्मच के करीबन, जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और ये पचने में भी आसानी होती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे 50 ग्राम के करीबन ऑयल। अच्छे से हाथ से हम रगड़ लेंगे, आप ये देख सकते हो सेम इसी तरीके से हम रगड़ लेंगे। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी का इस्तेमाल करते हुए टाइट डो बनाएंगे, ज़्यादा टाइट भी नहीं चाहिए हमें, मीडियम डो ही बनाना है और रेस्ट के लिए हम इसे रख देंगे। इसके बाद हम स्टफिंग तैयार करेंगे समोसे की। तो उसके लिए मैंने एक बाउल में ले लिया है एक बाउल के करीबन चीज़, साथ में कैप्सिकम कटे हुए यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किए हैं आधा कप के करीबन, एक यहाँ पे मैंने प्याज ले ली है, उसे भी कट कर लिया था। इसके बाद आधा बाउल के करीबन हमने यहाँ पे लिया है कॉर्न, स्वीट कॉर्न मार्केट में अवेलेबल होता है, आसानी से मिल जाता है, तो आप ऐड कर दीजिएगा। काली मिर्च, काला नमक हम यहाँ पे ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार। तीखा आप अपने को रख सकते हैं, वैसे तीखा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच के करीबन चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया है, ऑरिगेनो ले लिया है एक चम्मच के करीबन, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे पिज़्ज़ा समोसा बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। ब्योनीस ले लिया मैंने यहाँ पर, और साथ में हमने यहाँ पर ले लिया है सॉस। अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे, ये आप देख सकते हो। मिक्स करने के बाद जो हमारा डो है हम उसे देखेंगे, डो हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम हाथ से अच्छे से इसे मसलेंगे, मसलने के बाद हम इसकी लोइयां तोड़ेंगे। अब अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा समोसा बना सकते हैं, जैसा भी आपको बनाना पसंद हो। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से पेड़े तैयार कर लिए हैं और अच्छे से हमें इसे बेल लेना है लंबा लंबा, आप देख सकते हो सेम इसी तरीके जिस तरीके से समोसे बेले जाते हैं नॉर्मली, आप बेलिएगा। और ये समोसे बहुत ही खस्ता और मज़ेदार से बन के तैयार होते हैं, बरसात का सीज़न है तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बच्चों के लिए बनाएं और टेस्टी रेसिपी है तो ट्राई करें एक बार। नॉर्मल समोसे तो हर कोई खाता है, तो आप एक बार ये पिज़्ज़ा समोसा ज़रूर ट्राई करें। और इस तरीके से हम इसे लंबा बेलने के बाद कट कर लेंगे बीच में से। इसके बाद हम थोड़ा सा पानी यहाँ पे किनारियों से लगाते हुए इस तरीके से फोल्ड करेंगे, सेम इसी तरीके से हमें समोसा बनाना है, यही मेन प्रोसेस है समोसा बनाने की। और जो स्टफिंग है हम यहाँ पे इसे फिल कर देंगे। आप सामग्री घटाया बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी आपको पसंद हो। आपको और वेजेस अगर इसमें ऐड करनी हो तो आप ऐड कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये समोसे बन के तैयार होते हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे अच्छे से पानी का इस्तेमाल किया है और इसे बंद कर लिया है। यहाँ पे मैं दो तरीके से समोसा बनाना सिखा रही हूँ, तो यहाँ पे हमने एक साइड से फोल्ड किया था, अब हम पीछे से फोल्ड करेंगे, स्टफिंग को फिल कर लेंगे। आप देख सकते हैं, आप सेम इसी तरीके से समोसे बना सकते हैं, बहुत ही खस्ता मज़ेदार से बनके तैयार होते हैं। और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिए, काफ़ी रेसिपीज़ है जो बहुत ही मज़ेदार सी हैं, तो चैनल पर आप जाकर ज़रूर विज़िट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। साथ में अब हम क्या करेंगे, इनको फ्राई करेंगे। तो फ्लेम को हमें पहले रखना है स्टार्टिंग में लो, जब हमारा हल्का हल्का ऑयल गर्म हो जाए ना तो हम यहाँ पे समोसे ऐड कर देंगे। फिर जब समोसे उठ के ऊपर आ जाएंगे ना जब ऑयल से, तो हम लो टू मीडियम फ्लेम कर लेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ग्रीन चटनी के साथ, सॉस के साथ आप इसे इंजॉय करें। पिज़्ज़ा समोसा सॉस के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। और चैनल पर बने रहिए, इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।